आप रात में सोच नींद आ जाओ, नींद आवे कटे मात्र खावे नहीं बाबू। राजनीति ने सबको खराब किया हुआ है। समस्या आज कम से कम महीना डेढ़ महीना हो गया इन्हें चलते में, तो चेतावनी देना चाहते हैं। काम नहीं हुआ, पाइप लाइन नहीं डली तो हम रास्ता पूरा जाम कर देंगे। पूरे बीकानेर को दूध पिलाता है ये मोहल्ला और उसमें यार किया हुआ है। कई दुकान वाला तो रोटियां लाओ नहीं छोड़ दिया घर से। तो आपने सुता रहो और पानी आ जाओ तो क्या करे, तो अभी तो हमें मकान खाली करना पड़ेगा। ये हिसाब से पूरी दीवार और मेन सील आ गया, इसलिए पूरी लाइटिंग बंद होनी चल गई। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। नमस्कार, राम राम, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब ठीक मैं गुजरा का मोहल्ला जेल रोड पहुंच चुकी हूं और आटे की जिसकी समस्या है, भयंकर समस्या है जी की सामने आ रही है। सीवर लाइन की जिसकी समस्या है और घरार महीने पानी है जी को बढ़ रही है। आपस का मोहल्ले वासी अभी वहाँ पर बात है जी की करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेन क्या हो रहा है, जो जिसको ठेकेदार को ठेका दे रखा है वो ठेकेदार क्या है कि थोड़ी लापरवाही कर रहा है। इसके अंदर कभी पानी काट के जाबरता कभी होती। हम लोग जो चाहते हैं कब की बार क्या हम अड़े हुए हैं इस बात पर ही कि भाई हमारी जो सील है जो भी इसकी सारी मिट्टी दगड़ जो भी है पेपों की सफाई की जाए और जहाँ जरूरत है आवश्यकता है जहाँ नहीं लेन रखाई जाए। इन्होंने रखी भी है दो, हमारे करीबन 100 फुट के अंदर लेन रख दी है, वो लेन सही हो गई है। अब एक जो है छोटा सा टुकड़ा है जी, अगर हम चाहते हैं भाई जी अगर हल हो जाए तो हमारी समस्या का हल निकल दे। आप बात करें तो समस्या जी की कितना दिन से आ रही है? समस्या आज कम से कम महीना डेढ़ महीना हो गया इन्हें चलते में तो, और अभी आज समस्या ने पानी लगाता गाड़ियां लाता इन लोगों ने 7-8-10 दिन हो चुका है अभी। अब आप देख सका नगर निगम री 3-4 गाड़ियां है जी की, बड़ी बड़ी गाड़ियां है जी की, टैंकर है जी का उड़ा और सीवर लाइन खाली है जी की कर रही है। मतलब इशू समाधान है जी को नहीं कोई होगी ये अभी इसको खाली ऐसे नहीं कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्या आगे बुट लगा के पानी रोका जाए, पानी रोकने के बाद के अंदर आगे काम शुरू किया जाए। लोग घर में मायने एक बार रो पानी नहीं जावे क्योंकि 5-7 दिन हो गया है लोगों ने घर मायने गुंजारा मायने नीलो खराब हो रही है, कोई बांटो खराब हो रही है, बिहार घर में पानी नहीं जावे एक बार ये बात से गाड़ियां लगाई है और वो खाली करा रहा है। और समस्या रो हाल पूरा समाधान को नहीं, समाधान तो जदि हो सी बे रुकोड़ा पाइप सुखनी गई हॉस्पिटल के नसू बे निकाले और दूसरा डाले ही समाधान होवेला, नहीं तो कोई समाधान नहीं। हिसाब से आज की सीवर लाइन आज की कितनी कुछ पुरानी है? हां 40 साल पुरानी है, सन 1982 रमाइने डाली गई है। 40 साल पुरानी 41 साल पुरानी है ये पुरानी लाइन है, वो फॉल्ट हो चुकी है। ये चल रही थी जो चल रही थी और जहाँ खराब हो गई है। फॉल्ट जी मतलब है जी का पाइप डालू है जी का पाइप फूटूड़ा है बिल्कुल फूट चुके अंदर से। अभी आगे से 8-10 पाइप गला है बे टूटोड़ा निकलिया अभी बात नहीं है कह रहा है। रोज भी समस्या था खत्म करो, कदी पानी काट दो और कदी यहाँ गोचा लगा लगा काट दो। आ समस्या क्या है यूँ अल्लू वाला को नहीं पाइप नया डाले ही वाला। आ समस्या मतलब पहला भी कई बार आ चुकी है, आगे भी कई बार आ चुकी है भाई साहब, कई बार आ चुकी है। अभी आज यहाँ मतलब गाड़िया लागू है, बड़ी बड़ी टैंकर है जी का लागू है तो खाली करने से समाधान मतलब इस समाधान कौन निकला ला लारस पानी जी को लारस पानी तुझे आसी आसी वो वाला ए भरी जाला भरीज दे क्या वापस है लोगों गुम्बारे पानी जान लाग जाला और फुल और घुमारा महीने घर महीने पानी जा रही है या मतलब माइनस मतलब कोई फॉल्ट और ओवर फुल है और फुल है और फुल होते जी का पाइप टूटा नहीं लिखी और भी महीने पानी जा रही है अंदर है। कितना कुछ घर नुकसान है जी को? 8 घर में लगभग नुकसान नुकसान है साहब। समस्या अगर समाधान नहीं हो तो आप कहीं कुछ करो ला मोहल्ले नहीं होगी तो क्या हम इसका विरोध करते रहेंगे, धरना धरेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस का करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रास्ता रोकेंगे और नगर निगम को हम चेतावनी देना चाहते हैं। ये 15 दिन हफ्ते के अंदर हमारा काम नहीं हुआ, पाइप लाइन नहीं डली तो हम रास्ता पूरा जाम कर देंगे और आना जाना सब बंद कर देंगे। संपूर्ण रूप से आपा देखा तो समाधान है जी को क्यों नहीं हो रहा? संपूर्ण समाधान सारी राजनीति ने सबको खराब किया हुआ है, राजनीति लगी हुई है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं अपनी लड़ाइयों से। एक बार नहीं तो यहाँ पे ना महापौर को फुर्सत है संभालने की, बीकानेर सिटी क्या हो रहा है, ये सिटी का मेन हार्दिक वो स्थल है, सारी सिटी यहाँ से दुनिया भर के अंग्रेज आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी रास्ता दुबर हुआ हुआ है। जे एन और एन साहब अड़ी जगह पहुंचे कौन मौके माते एन साहब जे एन साहब आते हैं तो करें क्या, वो जब तक ये पाइपलाइन नहीं डलेगी मेन इसका जो समाधान है वो नई पाइपलाइन है। और ये रोज रोज के नाटक, ये गाड़ियां आ जाएंगी, रोज गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां खड़ी आएंगी, रास्ता जाम होएंगे, पब्लिक आम परेशान, नगर पब्लिक को आज 1 महीना हो गया परेशान होते हुए। नगर निगम अधिकारी पहुंच रहे हैं, गाड़ियां पहुंच रही है लेकिन समस्या समाधान है, समाधान एक ही है, वो
यहाँ का नई सिविल लाइन का टेंडर हुआ है नई तरीके से, और सिविल लाइन का जो पुरानी लाइनें डली हुई है 40 साल पुरानी लाइनें है, अब बीकानेर की जनसंख्या कहाँ पहुंच गई है, और वही का वही ढर्रा चल रहा है अभी तक। पूरे बीकानेर को दूध पिलाता है ये मोहल्ला, और उसमें यार किया हुआ है बदबूरी बात करें तो कितनी कुछ बदबूरी, तो यहाँ आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। कई दुकान वाला तो रोटियां लाओ नहीं छोड़ दिया घर से, तो नाक की खुशी भाई साहब रोटी खा सके कौन दुकान में, बैठ रोटी नहीं खा सके, गंदा पग दिन भर अंदर जा मर गया, माचर वगैरह सब हो गया, नई सिविल लाइन डाले ने घड़े वो समस्या रूसी, और कई समस्या रही हल को नहीं। आप रात में सोच नींद आ जाओ, आप नींद आवे के माचर खावे नहीं बाबू, छुट्टी है बाटो नींद में, बगीचा बना लिया कब्जा कर लिया जमीन बाटो, तो बाटो ये कर रही बाटी ना हुई कोनी, बिल कई मतलब है चूण भेज दिया मैं तो 4 साल हो गया देखे ही कौन किसी गाटी ने, कोई परकोटे में आई कौन ऐतिहासिक मेड़ो भरी दे ताजिया निकले गवर निकले और निकले रास्ता जाम रहे में। अच्छा गवर सु मेड़ो है जिको बब्बी आट कर निकले, तो अब समस्या रही जनकिया समस्या रही, तो अगर दूसरी व्यवस्था देखा कोई गले में ले जावा डड्डा चौक में मेड़ो भरी से चाल में डे तो ट्रैफिक तो चलने नहीं बजे ट्रैफिक जाम हो जाए, तो कितना कुछ टैंकर है जिका ब्रिज रहे 15-20 नहीं कल 30 टैंकर पानी तो नशे कटा के रमने वाली के अंदर रह रहा था, आज भी सुबह से लेकर 4-5 टैंकर पानी काट चुके हैं, अब इसको जाम लगा के इसका काम शुरू कर हो जाएगा। मतलब कोशिश है जी की तो आप पूरी कर रही है, लेकिन पूरा निचोड़ है जी को नहीं निकल रहा है। हाँ निचोड़ नहीं निकल रहा है, नवरी कह दिया आदेश भी दे दिया, आप पास भी होगी ये लेन अपने मंत्री साहब से मेरी बात हुई है बार बार, बाकी रोशन भाई पास करवा दिए, आपने कोई टेंशन जरूरत को नहीं, जटे जटे समस्या है जटे जटे हमारे को लापता हो जो है, तो कल भी अपन लेन खड़ेगा खुदा परसा और आप क्लियर करवा दे। मोहल्लेवासी कितना कुछ परेशान हो समस्या भैया, जाहिर कर और समाज है हमारा गुजरा रहा, सबसे बड़े बोलो ये गुजरा रहा है, सब बच्चा ले लुगो ले टाबर ले, अभी क्या आगे मारो कच्चा धंधो है, पशुपालन रहे अनपढ़ भी है, यहाँ पर टिंगर स्कूल किया कुछ जो है, मतलब ये हिसाब अब देखो कभी वो मकान तो वो छोड़ सका कौन, भी मजबूरी है चाहे खादे में भरी जाए चाहे किचन में भरी जाए, बिना तो निकल नहीं पड़ सही, वो नहीं छोटा सा एग्जाम चल रही है, एग्जाम भी चल रही है, एग्जाम चल रही है, बच्चा ने परीक्षा भी दिलानी जरूरी है, मतलब तकलीफ में चल रही है, मैं सब कर रहा मैंने अंडरग्राउंड में पानी बढ़ गया देखो शरीर तो पानी आया है नुकसान की बात करें तो कुछ नुकसान हो गया, पूरे दीवार और मेन सील आ गए, प्रशासन की गाड़िया तो टाइम मौके माता आ गए, कर्मचारी तो लागू है लेकिन कोई समाधान हो अभी तक, समाधान आज तक चल रही है बस, रोजी तो एक बात चल रही है रोजीना शिवलन चौक है जिकेन खाली करे पे वापस चला जाए, फिर वह खाली करे वापस चला जाए, घरेलू लोग की वो पानी खाली कर रहे हो या कोई प्रशासनिक तरफ से कोई सुविधा को मान खुद नहीं लगाना पड़ती है, वो मकान है उसके अंदर 1.5 फुट पानी आ चुका था, मैंने खुद ने अपने हाथों से मशीन लगा के खाली किया, और पहले वहाँ पे समस्या थी वहाँ से सही हुई नहीं, और आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, और इतनी सारी समस्या हो गई है, मोहल्ले वाले सारे परेशान है, वो सारे ब्लॉक हो गए चुके हैं यहाँ पे नाले, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे, यहाँ काम चल रहा है लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है, 2 दिन आते हैं 4 दिन आते नहीं, और लोग हो चुका है इस तरह से स्थिति खराब है कि आगे मोहल्लों के अंदर पूरी गली के अंदर परेशान है, और लमसम ये 15 दिन से पूरी रोड बंद है और कोई इसके अंदर ध्यान नहीं दे पा रहे। नगर निगम भी आपका गाड़िया की बात करें, गाड़िया 3-3-6-6 राउडी है भाई साहब, ये आती है करती है 2-3 घंटे आती है काम करती है फिर चली जाती है, इनसे कोई समाधान नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा कोशिश करके मैंने प्रॉब्लम का कारण ये बताया, प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम जो हो रही है सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, एक हफ्ते से पानी आ रहा है, ये जो लगे हुए हैं इनको कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, बस पानी निकाल के चले जाते हैं और फिर चालू हो जाता है, अभी तक पता लगे को ना बार बार किया मतलब सीवर लाइन है जी क्या, हमें तो उसमें क्या कर सकते हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये घरों में पानी आना ना हमें नुकसान है, मकान पानी में आ रहा है फट गया गिर गया, अगर जी आप रात में सोता रहो और पानी आ जाओ तो क्या करें, तो अभी तो हमें मकान खाली करना पड़ेगा, ये हिसाब से अगर गिर गया तो वो ज्यादा टेंशन आने की परेशानी होगी हमें, तो और इस लेन में काफी लोग ऐसे मकान है जो उनकी लेन के अंदर पानी जा रहा है, दीवार में एकदम पूरी सीलन है जी की आ चुकी है, मकान में भी काफी कुछ नुकसान है जी को हो रही है, पानी है नीचे पानी की कुंडी बनाई हुई है पानी इसके अंदर जा रहा है, ना तो पी सकते कोई ना सकते है पानी, अच्छा पीऊ ना कुंडी में मैंने भी गंदो पानी उसके अंदर पानी चला गया, कुंडी पीने के पानी
पानी की अरेंजमेंट करो, मतलब आप देख रहे हैं झलको बीकानेर पर, आप प्यार ये बढ़ा रहे क्या। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।